आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे पोर्टुगल जॉब सीकिंग वीज़ा। पोर्टुगल गवर्नमेंट ने नया नया जॉब सीकिंग वीज़ा का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसमें आप लोगों को 120 दिन का वीज़ा मिलता है, जहां से भी आप अप्लाई करते हो, इंडिया से, इंडिया के बाहर से, कहीं से भी। अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो पोर्टुगल जाने के बाद 120 दिन यानी चार महीने के अंदर अंदर आपको किसी भी कैटेगरी में, किसी भी कंपनी में जॉब अप्लाई करके, जॉब ढूंढ के जॉब पे लग जाना है। जब आपको कोई कंपनी जॉब देती है तो वो 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसी के बिहाफ पे आपका रेसिडेंशियल परमिट बनेगा। जॉब करो और पैसा कमाओ। इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको और यूरोपियन कंट्रीज़ के जैसे आपको कोई वर्क परमिट पोर्टुगल से लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई जॉब ऑफर लेटर की आपको ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ इस टाइप का एक लेटर आपको पोर्टुगल से लेना होता है, जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और इसी के बिहाफ पे ये जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई होगा। और ये जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स यही है। अब वीडियो को एंड तक देखते रहिए, पूरा प्रोसेस कैसे होगा और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए इसके साथ साथ, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर जॉब अप्लाई करता है, जैसे कोई आईटी डिपार्टमेंट से है या सिविल इंजीनियर की, या ऐसी कोई बड़ी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से। लेकिन अगर कोई कोई पर्टिकुलर जॉब अप्लाई करता है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मेसन, या फिर कोई आईटी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहता है या सिविल इंजीनियर है, तो उनको अपनी जॉब के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इलेक्ट्रिशियन की जॉब अप्लाई करता है तो वो इलेक्ट्रिशियन है, उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, मेसन का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो इंडिया में, बॉम्बे में, दिल्ली में और भी जगह जगह ट्रेड टेस्ट सेंटर होते हैं, वहाँ पे जाके आपको बोलना है कि मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ और मुझे इलेक्ट्रिशियन का सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो लोग आपका टेस्ट लेंगे, और टेस्ट लेने के बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। वो सर्टिफिकेट आपको ये जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करने के लिए काम देगा। उसके बाद अगर आपने इलेक्ट्रिशियन का काम किया है तो 1 साल का, 3 साल का, जितना भी आपने जिस कंपनी में एज ए इलेक्ट्रिशियन काम किया है, तो वो आपको एक्सपीरियंस लेटर भी देना होगा। इस तरीके से किसी भी कैटेगरी में अगर कोई अप्लाई करता है, वेटर के लिए वेटर का सर्टिफिकेट चाहिए, शेफ के लिए शेफ का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर कोई सिविल इंजीनियर का जॉब अप्लाई करना चाहता है जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए, तो उसको सिविल इंजीनियर का सर्टिफिकेट देना होगा और मार्कशीट वगैरह सब कुछ देना होगा। लेकिन अगर कोई जनरल वर्कर्स, हेल्पर्स में अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात, अगर आप सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके एप्लीकेशन करते हो तो आपको 120 दिन का वीज़ा मिलेगा। 120 दिन का वीज़ा मिलने के बाद पोर्टुगल आप चले जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद आपको 120 दिन के अंदर अंदर वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले किसी भी कंपनी में, किसी भी कैटेगरी में आपको जॉब पे लग जाना है। जॉब पे लगने के बाद आपको वो कंपनी जॉब कॉन्ट्रैक्ट इशू करेंगे, और उसी जॉब कॉन्ट्रैक्ट के भी हाथ पे आपका रेसिडेंशियल परमिट मिलेगा। बाद में आप काम करो, पैसे कमाओ। अब आगे बात करते हैं, एक आपका अपडेट सीवी चाहिए, ईसीआर और ईसीएनआर, कोई भी कैटेगरी का पासपोर्ट हो वो पासपोर्ट चलेगा, पीसीसी पासपोर्ट ऑफिस वाला चाहिए पोर्टुगल जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए। जब आपका पीसीसी इशू हो जाता है तो पीसीसी और आपके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल कराने होते हैं। अपोस्टाइल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये अपोस्टाइल है, ये एक सर्टिफिकेट है, उसकी कॉपी है, ये एक पीसीसी मान लो, इस तरफ पीसीसी है और उसके पीछे ये स्टिकर लगता है और अटेस्टेशन होता है डिपार्टमेंट से, इसको बोलते हैं अपोस्टाइल। तो जो जो चीज़ें जैसे जैसे स्टेप रहेंगे मैं आपको गाइड करूँगा।
उसके बाद जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा, चाहे आपका खुद का हो, अगर आप जॉब करते हो तो आपका खुद का चाहिए, अगर आप जॉब नहीं करते हो, कोई जॉब नहीं है आपके पास, तो फिर आपका होगा तो भी चलेगा, आपके मदर फादर का, आपके ब्रदर का, किसी का भी बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा। और वो बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ का होगा। बैंक स्टेटमेंट कब निकालना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस बैंक स्टेटमेंट के लिए पोर्टुगल गवर्नमेंट ने एक रिक्वायरमेंट रखी है कि 1 महीने के लिए कम से कम 760 यूरो। तो 3 महीने के लिए 3 बार 760 यूरो टोटल बनता है 3 महीने का 2,280 यूरो। कम से कम इतना बैलेंस आपके या जिसका भी आप बैंक स्टेटमेंट दे रहे हो उसमें इतना बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो डिपॉजिट करो और जब बैंक स्टेटमेंट निकालने का टाइम आएगा तो हम आपको बताएंगे। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब स्टेप मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको अगर इंटरेस्टेड है तो ये लेटर की ज़रूरत होगी। ये लेटर मिलने के बाद आपको PCC अप्लाई करना है। PCC आ जाता है तो PCC के बाद आपको PCC इस तरीके से अपोस्टाइल कराना है। कहाँ से होगा, कैसे होगा, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता देंगे। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन के लिए फॉर्म और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको रेडी करके दूंगा। उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट होगी। जिस टाइम आपका अपॉइंटमेंट है, जहाँ से है, वहाँ पे आपको वीज़ा की 90 यूरो फीस पे करनी है। 90 यूरो इंडियन रुपीज़ में कितना बनता है वो आप गूगल में जाके इंडियन रुपीज़ में जिस डेट में आप चेक करते हो आपको बता देगा कि इतना रुपया होता है। ये अप्रोक्स 9 साढ़े 9 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार तक बनता है वीज़ा। जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है उसके बाद आपको वीज़ा के लिए वेट करना है। जब आपका पासपोर्ट आपको वीज़ा लगने के बाद मिल जाता है उसके बाद टिकट करो और जाओ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पोर्टुगल जॉब सीकिंग वीज़ा के बारे में मैंने डिटेल्स में आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो दिए गए नंबर पर मंडे टू सैटरडे आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी भी दिया है, एड्रेस भी दिया है। आप चाहें तो मंडे टू सैटरडे ऑफिस में आके विजिट कर सकते हो और जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए इंडियन भी अप्लाई कर सकते हैं और जो इंडियन दुबई में हैं, गल्फ कंट्री में हैं और किसी कंट्री में बैठे हैं वहाँ से अप्लाई करना चाहे तो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेशली ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए इंडिया में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जो लोग दुबई से अप्लाई करते हैं, सऊदी से अप्लाई करते हैं तो उनको वहाँ का PCC देना होगा और वहाँ के PCC के लिए आपको वहाँ ही आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। PCC के लिए क्या चाहिए, क्या चार्ज होगा, किस टाइप किस तरीके से होगा वो आपको वहाँ पे कराना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको भेज दूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। अगर आपने मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे हर कैटेगरी के वीज़ा की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।